इस वीडियो का टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, और लास्ट में हम मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं आर्मेचर रिएक्शन बाई कंसीडरिंग ए टू पोल डीसी जनरेटर। ये एक टू पोल डीसी जनरेटर है, इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हिस्सा आर्मेचर है। ये सर्कल आर्मेचर के कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये हिस्सा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस लगे हुए हैं, और यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्शन दिया हुआ है। इस केस में जनरेटर के ऊपर लोड नहीं है। जब जनरेटर के ऊपर लोड नहीं होता तो आर्मेचर सर्किट ओपन होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। जब आर्मेचर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता तो इस रीजन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये मेन पोल्स की वजह से होता है। मेन पोल्स की वजह से इस रीजन और इस रीजन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स को स्ट्रेट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है इस रीजन के अंदर। ये ऑल वेक्टर्स एड होके इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। सो ये लाइन इन ऑल वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक ऐसा लाइन जो इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को MNA कहते हैं। जैसा कि इस केस में ये जो लाइन है, इस लाइन को MNA कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की ये प्रॉपर्टी है कि जब कोई कंडक्टर इस लाइन में से पास होता है तो इसमें EMF की वैल्यू जीरो होती है। बट हाउ? हैज वी नो मोशनल EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। इस इक्वेशन में E इंड्यूस्ड EMF को रिप्रेजेंट करता है, V कंडक्टर के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, B मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, L कंडक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और थीटा V और B के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो जब कोई कंडक्टर MNA में से पास होता है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। चूंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो है। तो अगर यहाँ पे एंगल जीरो पुट कर दिया जाए तो साइन जीरो जीरो के बराबर है, इसलिए इससे EMF जीरो आता है। सो MNA की ये खासियत है कि जब कोई कंडक्टर इस लाइन में से पास होता है तो इसमें EMF की वैल्यू जीरो होगी। जैसा कि इस केस में इस कंडक्टर और इस कंडक्टर में EMF जीरो होगा। अब चूंकि MNA में से जो कंडक्टर पास होता है या जो क्वाइल पास होता है उसमें EMF की वैल्यू जीरो होती है, तो कम्यूटेटर के टू सेगमेंट के दरमियान भी वोल्टेज जीरो होगा। अब अगर इन टू सेगमेंट को ब्रश के जरिए शॉर्ट कर दिया जाए तो इस केस में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटर के सेगमेंट के दरमियान वोल्टेज जीरो है। इसलिए ब्रश की प्लेसमेंट हमेशा MNA के ऊपर होती है टू अवॉइड स्पार्किंग। अब हम इस जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। जब जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है। इस करंट के डायरेक्शन को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ट होगा। इनवर्ट करंट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड करंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है।
इसलिए आर्मेचर अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। आर्मेचर के फ्लक्स का इस मेन पोल के फ्लक्स पे जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑन पोल्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये इफेक्ट जनरेटर में भी प्रोड्यूस होता है और मोटर में भी प्रोड्यूस होता है। और ये इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? ये लोड पे डिपेंड करता है। लोड के इंक्रीज होने से आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होता है और लोड के डिक्रीज होने से आर्मेचर रिएक्शन डिक्रीज होता है। सो आर्मेचर रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ लोड। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मशीन के अंदर टू प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ऑफ फ्लक्स, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज फ्लक्स वीकनिंग और डीमैग्नेटाइजेशन। सो इस लेक्चर के अंदर हम इन टू प्रॉब्लम्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय आर्मेचर रिएक्शन, व्हिच इज डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। जैसा कि पहले देखा गया कि जब जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है तो आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। अगर आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करे तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसके डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। तो इस साइड के कंडक्टर पर राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हासिल होती है और इस साइड के कंडक्टर पर राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हासिल होती है और पोल्स की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड पोल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट राइट एंगल है, या आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड पोल के मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पे क्रॉस करता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन के इस इफेक्ट की वजह से एमएनए में शिफ्ट आता है। बट हाउ टू क्लियरिफाई दिस, लेट्स सिंप्लीफाई द डायग्राम। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम हासिल हुआ। इस डायग्राम में ये लाइन पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, इन टू वेक्टर को ऐड करने से ये तीसरा वेक्टर हासिल होता है। अब एक ऐसा लाइन जो इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को एमएनए कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। नो लोड के केस में एमएनए की पोजीशन ये थी, लेकिन लोड के अप्लाई करने से एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। एमएनए में शिफ्ट की डायरेक्शन मशीन के टाइप पे डिपेंड करता है कि मशीन हैज ए जनरेटर ऑपरेट करता है या हैज ए मोटर ऑपरेट करता है। जनरेटर के केस में एमएनए मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जैसा कि इस केस में आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, इसलिए एमएनए भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। अगर ये मशीन हैज ए मोटर ऑपरेट होता तो एमएनए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता, जैसा कि अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता। अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता। इसलिए जनरेटर के केस में एमएनए मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जबकि मोटर के केस में एमएनए मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में शिफ्ट होता है। अब एमएनए में शिफ्ट कितना आएगा, ये डिपेंड करता है लोड पे। लोड के इंक्रीज होने से एमएनए में शिफ्ट इंक्रीज होता है और लोड के डिक्रीज होने से एमएनए में शिफ्ट डिक्रीज होता है।
ब्रश की पोजीशनिंग चूंकि एलांग एमएनए होती है, इसलिए अगर नो लोड कंडीशन हो तो एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। अब अगर लोड को अप्लाई किया जाए तो एमएनए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ब्रश को भी शिफ्ट करना होता है। अब एक ब्रश को यहाँ पे रखते हैं और दूसरे ब्रश को यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ब्रश के लिए ये ज़रूरी है कि वो कम्यूटेटर सेगमेंट को वहाँ पे शॉर्ट कर दे जहाँ पे इन टू सेगमेंट के दरमियान वोल्टेज जीरो हो। अब एमएनए वो पोजीशन है जहाँ पे कम्यूटेटर के सेगमेंट के दरमियान वोल्टेज जीरो होता है, तो अगर वोल्टेज जीरो हो कम्यूटेटर सेगमेंट के दरमियान और इसी इंस्टेंट इसको शॉर्ट कर दिया जाए भाई ब्रश इज, तो ये स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता। अगर ब्रश की रॉन्ग पोजीशनिंग की जाए तो इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा, इस वजह से ब्रश खराब होगा, इस वजह से कम्यूटेटर के सेगमेंट की मेल्टिंग होगी। द सेकंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स वीकनिंग। हैज नोटेड अर्लियर, जब आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है तो इस साइड के कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसके डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते हैं। सो इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है और इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे आर्मेचर का फ्लक्स और पोल का फ्लक्स ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे ये टू फ्लक्सेस ऐड होंगे जिसकी वजह से पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। पोजीशन 2 और 3 पे आर्मेचर का फ्लक्स और पोल का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे दोनों फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा। सो हर पोल के हाफ हिस्से में फ्लक्स इंक्रीज होता है और हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है। जैसा कि इस पोल के इस हाफ में फ्लक्स इंक्रीज होता है और इस हाफ में फ्लक्स डिक्रीज होता है, इसी तरह इस पोल के इस हाफ में फ्लक्स इंक्रीज होता है और इस हाफ में फ्लक्स डिक्रीज होता है, बट एज ए होल फ्लक्स डिक्रीज होता है। हाउ? तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। इस ग्राफ में ये लाइन मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये कर्व मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैग्नेटोमोटिव फोर्स के इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद मैग्नेटोमोटिव फोर्स के इंक्रीज होने से फ्लक्स में बहुत कम इंक्रीज आता है क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल सेचुरेट हो जाता है। ये सेचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सेचुरेशन रीजन में मैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम फ्लक्स को एब्जॉर्ब करता है। अब जब कोई डीसी मशीन ऑपरेट होता है तो वो नियर सेचुरेशन पॉइंट ऑपरेट होता है। ये डीसी मशीन की ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो ये है और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के करिस्पॉन्डिंग मटीरियल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो ये है। अब जब इस डीसी मशीन के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन वाकिया होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हर पोल के हाफ हिस्से में फ्लक्स इंक्रीज होता है और हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है। हैज सेड अर्लियर,
लेट्स फर्स्ट कंसीडर इंक्रीज। तो इस हाफ हिस्से में फ्लक्स के इंक्रीज होने से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है। इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो ये है, और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के करेस्पॉन्डिंग पोल के इस हाफ हिस्से में जो फ्लक्स है वो ये है। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स और आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स के एडिशन के बराबर होता है, क्योंकि इस पोर्शन में आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स एड होते हैं। तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स एड होके इसकी वजह से इस रीजन में फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। पोल के दूसरे हाफ हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये है। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स पोल के मैग्नेटोमोटिव फोर्स और आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर है, क्योंकि इस पोर्शन में आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों का मैग्नेटोमोटिव फोर्स सब्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज होता है। जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज होता है तो इस वजह से फ्लक्स भी डिक्रीज होता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। अब पोल के इस रीजन में फ्लक्स कितना इंक्रीज हुआ, तो फ्लक्स में जो इंक्रीज आता है वो इस अमाउंट का आता है। डेल फाई आई इंक्रीज इन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। पोल के इस हिस्से में फ्लक्स डिक्रीज होता है, कितने अमाउंट का फ्लक्स डिक्रीज होता है, इस अमाउंट का फ्लक्स डिक्रीज होता है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि फ्लक्स में इंक्रीज कम अमाउंट का आता है लेकिन डिक्रीज ज्यादा अमाउंट का आता है, सो ऑन एवरेज फ्लक्स डिक्रीज होता है। आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को डीमैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स वीकनिंग कहते हैं। ये फ्लक्स वीकनिंग जनरेटर में भी वाकिया होता है और मोटर में भी वाकिया होता है। अब इस फ्लक्स वीकनिंग का जनरेटर के ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट होता है? हैज वी नो जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू के फाई इंटू ओमेगा। फाई फ्लक्स पर पोल को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा आर्मेचर के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इस वजह से जनरेटेड ईएमएफ भी डिक्रीज होता है, सो फ्लक्स वीकनिंग की वजह से जनरेटर में कम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स वीकनिंग का मोटर के ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट होता है? हैज वी नो स्पीड ऑफ मोटर इज इक्वल टू के इंटू ई वी डिवाइडेड बाई फाई। फ्लक्स में जब डिक्रीज आता है तो स्पीड इंक्रीज होता है। अब जब मोटर की स्पीड इंक्रीज होता है तो मोटर में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। अब लार्ज मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डेवेस्टेटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते, डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते, जिसकी वजह से मशीन की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है अंडर फुल लोड। अब ऐसे टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर दे। आर्मेचर रिएक्शन को पार्शियली या कम्प्लीटली रिड्यूस करने के लिए थ्री मेथड्स डिवेलप किए गए। डिजाइनर्स ने जो फर्स्ट मेथड डिवेलप किया वो था ब्रश शिफ्टिंग मेथड, लेकिन इस मेथड में सम डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से सेकंड मेथड डिवेलप किया गया कमोटेटिंग पोल्स का। ब्रश शिफ्टिंग मेथड और कमोटेटिंग पोल्स मेथड ये आर्मेचर रिएक्शन को पार्शियली रिड्यूस करता है, सो आर्मेचर रिएक्शन को कम्प्लीटली रिड्यूस करने के लिए थर्ड मेथड डिवेलप किया गया कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का। अब हम ईच एंड एवरी मेथड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिजाइनर्स ने जो फर्स्ट मेथड डिवाइस किया था आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए वो था ब्रश शिफ्ट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, ब्रश की शिफ्टिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट इन एमएनए। जब एमएनए शिफ्ट होता है तो इसके लिहाज से ब्रश को भी शिफ्ट करना होता है। अब एमएनए में शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लोड आता है या विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मशीन आता है। जब मशीन हैज जनरेटर ऑपरेट करता है
M&A में शिफ्ट मोशन की डायरेक्शन में आता है। जब मशीन हैज ए मोटर ऑपरेट करता है तो M&A मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। लेट्स से ये मशीन हैज ए जनरेटर ऑपरेट करता है। लेट्स से इस केस में जनरेटर के ऊपर लोड नहीं है, ये नो लोड कंडीशन है। तो हैज सेड अर्लियर इस केस में M&A वर्टिकल होगा। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब इस जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो M&A शिफ्ट होगा, M&A मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेट्स से M&A इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ। नो लोड के केस में ब्रश की पोजीशन क्या होगी? एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं। लोड के अप्लाई करने से M&A इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, तो अकॉर्डिंगली ब्रश की भी शिफ्टिंग होगी। एक ब्रश को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और दूसरे ब्रश को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अगर मशीन की ऑपरेशन चेंज हो जाए फ्रॉम जनरेटर टू मोटर, तो नो लोड की केस में M&A की पोजीशन ये होगी। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जब लोड अप्लाई किया जाए तो M&A शिफ्ट होगा। M&A में शिफ्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इस केस में, क्योंकि ये हैज ए मोटर ऑपरेट करता है, तो M&A इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब नो लोड की केस में एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। जब लोड अप्लाई किया जाए और लेट्स से M&A इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, तो एक ब्रश की पोजीशन ये होगी और दूसरे ब्रश की पोजीशन ये होगी। तो इस मेथड में हम ब्रश की शिफ्टिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू M&A। M&A जिस पोजीशन पे शिफ्ट होता है उसी पोजीशन पे ब्रशेस को भी शिफ्ट करना होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से चूंकि टू प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, एक M&A शिफ्ट और दूसरा फ्लक्स वीकनिंग। M&A शिफ्ट की वजह से स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं मशीन के अंदर। अब ये मेथड आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पार्किंग को रिड्यूस करता है। आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। ब्रश शिफ्टिंग मेथड की डिसएडवांटेज ये थी कि जब लोड चेंज होता तो इसके साथ ब्रश की पोजीशन को भी चेंज करना पड़ता टू रिड्यूस स्पार्किंग। अब ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए डिजाइनर्स ने दूसरा मेथड डिवाइस किया, कमोटेटिंग पोल्स मेथड। इस मेथड में स्टेटर के अंदर स्मॉल पोल्स लगे होते हैं जिसको इंटरपोल्स या कमोटेटिंग पोल्स कहते हैं। ये पोल्स मेन पोल के दरमियान में लगाए जाते हैं। इंटरपोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ताकि आर्मेचर सर्किट में जितना करंट पास हो वही करंट इंटरपोल्स वाइंडिंग में से भी पास हो। इंटरपोल्स को इस तरह डिजाइन किया होता है कि आर्मेचर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंटरपोल्स भी प्रोड्यूस करता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो इंटरपोल्स इक्वल मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इंटरपोल इस डायरेक्शन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो इस रीजन में ओनली वन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मेन पोल्स की वजह से। अगर लोड इंक्रीज हो जाए तो आर्मेचर सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, बट इक्वली इंटरपोल्स का भी करंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये आर्मेचर के साथ सीरीज में है, जिसकी वजह से इंटरपोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए जब लोड इंक्रीज होता है तो आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज होता है, बट इक्वली कमोटेटिंग पोल्स का
मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी इंक्रीज होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट करेंगे। अगर लोड डिक्रीज हो जाए तो आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, साथ साथ कमोटेटिंग पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में भी ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। सो लोड की जो भी कंडीशन हो, आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इंटरपोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए इस रीजन में ओनली वन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मेन पोल्स की वजह से, और इसकी डायरेक्शन ये होगी और MNA की पोजीशन हमेशा ये होगी। अब MNA हमेशा इस वर्टिकल पोजीशन पे रहेगा। MNA की पोजीशन अब लोड के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ तो चेंज नहीं होती। जब MNA में शिफ्ट खत्म हुआ तो एक ब्रश को परमानेंटली यहाँ पे रखते और दूसरे ब्रश को परमानेंटली यहाँ पे रखते। सो इस मेथड से MNA शिफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। MNA में अब शिफ्ट नहीं आएगा, लेकिन इस रीजन और इस रीजन के अंदर आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स की वीकनिंग होगी। सो फ्लक्स वीकनिंग स्टिल अकर्स। सो इस मेथड से आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली रिड्यूस होता है। ये सिर्फ MNA शिफ्ट को सॉल्व करता है, फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम स्टिल अकर्स। कमोटेटिंग पोल्स के केस में MNA शिफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बट फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्ड अनसॉल्व। तो इन टू प्रॉब्लम्स को एट ए टाइम सॉल्व करने के लिए डिजाइनर्स ने थर्ड मेथड डिवाइस किया, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का। इस मेथड में मेन पोल के पेसिस में स्लॉट्स बनाए जाते हैं और इन स्लॉट्स में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की प्लेसमेंट होती है। इस केस में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स के कंडक्टर को रेड सर्कल की शक्ल में दिखाया गया है और आर्मेचर के कंडक्टर्स को येलो सर्कल्स की शक्ल में दिखाया गया है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की डिजाइनिंग इस तरह होती है कि आर्मेचर जितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी प्रोड्यूस करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बट हाउ? लेट सपोज आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की डिजाइन इस तरह होती है कि अगर इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड हो तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मेचर के इस साइड के कंडक्टर में करंट चूंकि आउटवर्ड है, इसलिए इस साइड के कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा। इनवर्ड करंट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मेचर के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आर्मेचर के इस साइड के कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में ग्रीन कलर आर्मेचर के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इस डायग्राम से क्लियर है कि इस साइड पे
कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और इसी तरह इस साइड में भी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में, सो इस साइड में भी ये दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो द नेट रिजल्ट इज ओनली वन फ्लक्स इन दिस रीजन, और ये फ्लक्स मेन पोल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की वजह से आर्मेचर का फ्लक्स कंप्लीटली कैंसिल हुआ, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये जो टू प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, एमिनेट शिफ्ट प्रॉब्लम एंड फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम, ये भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी अब एमिनेट शिफ्ट नहीं होगा और फ्लक्स वीक नहीं होगा। इसलिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है।